माननीय उपसभापति महोदय, सदन में भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में सदन में चल रही बहस को मैं कई दिनों से सुन रहा हूं और मुझे यह आशा थी कि सरकार किसानों के हितों का ख्याल रखेगी, किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने यहाँ ऐसी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की। इससे किसानों को बहुत निराशा हुई है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि माननीय मंत्री महोदय को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि आज वह जिस नीति पर चल रहे हैं वह किसानों के लिए उपयोगी नहीं है। मंत्री महोदय ने इस विधेयक में इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है कि बंजर किस्म की भूमि ही किसानों से ली जाएगी, उपजाऊ भूमि नहीं। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार इस विधेयक को वास्तव में किसानों के हितों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लाभ के लिए लेकर आई है। सदन में बहस के दौरान किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने से ही किसानों का भला नहीं हो सकता। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आपको कुछ ठोस व्यवस्था करनी होगी। आज सत्ता पक्ष के लोग यह प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार जनता के सहयोग के बिना विकास का कार्य कैसे कर सकती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि जनता को यह विश्वास हो जाए कि सरकार की मंशा पवित्र है तो यकीन मानिए जनता सरकार से अवश्य सहयोग करेगी। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान महंगाई की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकार आज कह रही है कि देश में दालों की कमी है, चीनी की कमी है और खाद्य तेलों की कमी है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। यह हालत तब है जबकि इस वर्ष गन्ने की उपज अच्छी हुई है, चीनी और अन्य नगदी फसल की पैदावार भी अच्छी हुई है। सरकार की कमजोरियों के कारण एक तरफ तो किसानों की फसलों को साहूकार कम दाम में खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियां भंडारण की समस्या से जूझ रही हैं। अब एक तरफ साहूकार अपने गल्लों को ऊंचे दामों में बेच रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों के गोदामों में पड़ा लाखों करोड़ों गल्ला सड़ रहा है। साहूकार सरकार की नहीं सुनते और सरकार जनता की नहीं सुनती। एक तरफ बाजार पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है, दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों पर अफसरों का नियंत्रण नहीं रह गया है। इस प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं ताकि साहूकार मोटा लाभ कमा सकें और सरकारी अफसर मोटी रिश्वत पा सकें। इससे कीमतें आसमान छू रही हैं और जनता की कमर टूट रही है। सरकार सब कुछ जानते हुए भी कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की अव्यवस्था को सुधारने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए। माननीय उपसभापति महोदय, आपने जो जम्मू कश्मीर में बिगड़ती
जा रही कानून और व्यवस्था की हालत पर सदन में चर्चा कराने का निर्णय लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस चर्चा के दौरान मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से चुनकर सदन में आता हूँ। मैं वहाँ की जनता की भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूँ। वे अत्यंत ही शांति से जीवन जीने में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन पिछले दिनों वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति काफ़ी चिंताजनक रही। वहाँ की शांति भंग हुई, लोग सड़क पर उतरे, यहाँ तक कि वे अपनी कुछ मांगों को लेकर हिंसक हो गए। यह सही है कि अगर कुछ दिनों के अंदर हमने वहाँ की शांति व्यवस्था को मजबूती से हाथ में ना लिया होता, उसको सुधारा नहीं होता, तो उसके परिणाम और गंभीर हो सकते थे। मैं पिछले दिनों अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के बारे में सुन रहा था। उन लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अपनी इच्छा से सड़कों पर नहीं उतरे थे, बल्कि उन्हें उकसाया गया था। वहाँ के लोगों को कुछ असामाजिक तत्वों ने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर एक सोची समझी चाल के तहत बहला फुसलाकर सड़क पर उतारा था, जिससे कि वे अपनी राजनीति को चमका सकें। यदि इस प्रकार हमारे देश के नेता समाज के दुश्मनों से हाथ मिलाकर अपना हित साधने के लिए शांति प्रिय जनता को भड़काने का कार्य करेंगे, तो पता नहीं हमारे समाज का क्या होगा, हमारे युवाओं का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक और बिंदु पर प्रकाश डालने के बाद अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। वह बिंदु यह है कि हमने देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लोकतंत्र को अपनाया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं अपने लिए शासन करती है। यह विश्व का सबसे लोकप्रिय और सफल शासन व्यवस्था है। एक नेता होने के नाते, एक जन प्रतिनिधि होने के नाते, हम नेताओं को स्वयं अपने लिए एक आदर्श व्यवहार अपनाना चाहिए, ताकि जनता हम पर विश्वास करे, हमें अपना हमदर्द समझे और हमारा अनुकरण करे। परंतु मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि आज हमारे अनुचित व्यवहारों के कारण जनता हमें संदेह की नज़रों से देखती है। हमें अपना रक्षक नहीं बल्कि भक्षक समझती है। देश की एकता को बनाए रखने के लिए नेताओं के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए और संविधान की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। महोदय, चूँकि अब आपकी अनुमति नहीं है, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।